यूनुस परवेज, हमें से कईयों को इनका नाम बेशक मालूम ना हो लेकिन इनके काम से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चमकता सूरज जिसने अभिनय की हर गहराई को खुद में उतार लिया। कॉमेडी हो, गंभीर अदाकारी हो, विलनगिरी हो या फिर समाज को संदेश देता कोई किरदार, इन्होंने साबित किया कि एक्टिंग की हर विधा में ये महारथी हैं। यूनुस परवेज का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर में। इनका परिवार मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला था लेकिन इनके पिता यूपी पुलिस में नौकरी करते थे, लिहाजा इनकी पढ़ाई और इनका शुरुआती जीवन उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बीता। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद यूनुस परवेज पहुंचे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही थी जहां रंगमंच की दुनिया से इनका जुड़ाव हुआ। इंटरसिटी यूथ फेस्टिवल में यूनुस परवेज ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया और इन्हें 3 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अखबारों में इनके ऊपर लेख और तस्वीरें छपने लगी। रंगमंच की दुनिया में इनका नाम होने लगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद यूनुस परवेज पीएचडी की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान इनके एक दोस्त ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इन्हें उस दौर के महान लेखक दीवान वीरेंद्रनाथ से मिलवाया। दीवान वीरेंद्रनाथ अभिनेता कबीर बेदी के चाचा थे। दीवान वीरेंद्रनाथ ही एक बार यूनुस परवेज को अपने साथ दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ले गए। इसमें भारतीय रंगमंच पर चर्चा चल रही थी। वहां रंगमंच के कई दिग्गज कलाकार थे जो यूनुस परवेज के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इन सभी लोगों ने यूनुस परवेज को थिएटर ज्वाइन करने के लिए कहा और आखिरकार यूनुस परवेज ने साल 1959 में हिंदुस्तानी थिएटर ज्वाइन कर लिया। यूनुस परवेज जब मुंबई में रंगमंच की दुनिया में मशहूर होने लगे तो फिल्मी दुनिया वालों की नज़र इन पर पड़ी। इन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। साल 1963 में इन्होंने कणकण में भगवान नाम की एक धार्मिक फिल्म से अपना डेब्यू किया। इसके बाद इन्होंने साल 1965 में सहेली और भरत मिलाप में भी काम किया। 1966 में पिंजरे का पंछी नाम की फिल्म में इन्होंने काम किया लेकिन लोगों ने पहली बार इन्हें नोटिस किया 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी में। इस फिल्म में ये एक ऐसे पंजाबी चौकीदार बने जिसकी बेटी से जॉनी वॉकर इश्क करते और ये अपनी बंदूक का खौफ दिखाकर जॉनी वॉकर को खूब डराते। कहना चाहिए कि जॉनी वॉकर के सहारे ही सही यूनुस परवेज को पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। ये फिल्म वही फिल्म थी जिसमें दिग्गज फिल्म डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने भी अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी। हसीना मान जाएगी के बाद यूनुस परवेज ने कुछ फिल्मों में और काम किया लेकिन इनका काम फिर से सराहा गया 1971 में रिलीज हुई फिल्म उपहार में। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम बनवारी था। इस फिल्म का एक गीत काफ़ी मशहूर हुआ था जिसके बोल थे मांझी ढूंढे नैया किनारे। ये गीत यूनुस परवेज पर ही फिल्माया गया था। साल 1971 में ये नज़र आए फिल्म गर्म हवा में। ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी थी। इस फिल्म में यूनुस परवेज एक अवसरवादी नेता के किरदार में नज़र आए थे। ये फिल्म आर्ट सिनेमा का एक शानदार उदाहरण थी और इस फिल्म में यूनुस परवेज के काम को बेहद पसंद किया गया। लेकिन अभी भी यूनुस परवेज को उस पहचान का इंतज़ार था जो इन्हें अब तक नहीं मिली थी। ये पहचान इन्हें मिली साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार से। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म में यूनुस परवेज रहीम चाचा के किरदार में नज़र आए थे। आम दर्शकों को ये किरदार बेहद पसंद आया। इस फिल्म के बाद तो मानो यूनुस परवेज की ज़िंदगी ही बदल गई। अब हर कोई इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था और ये लगातार फिल्मों में बिजी होते चले गए। साल 11 फरवरी 2007 को डायबिटीज से अपनी जंग हार कर 71 साल की उम्र में यूनुस परवेज इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए अनंत यात्रा पर चले गए। हिंदी सिनेमा में यूनुस परवेज के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता।